जबलपुर में एक बस चालक दो बड़े हादसों को अंजाम देकर फरार हो गया। दोनों ही हादसों में दो लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक 5 साल की बच्ची तक शामिल है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की शुरुआत लखनादौन से हुई, जहां तेज रफ्तार बस ने एक व्यक्ति को टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद बस चालक भागते हुए जबलपुर की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई। जबलपुर के गढ़ा रेलवे स्टेशन के पास बस ने फिर से एक और हादसे को अंजाम दिया। इस बार बस ने बाइक सवार एक परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 5 साल की मासूम बच्ची जानवी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बच्ची के माता पिता मूलचंद और कविता और उनकी 2 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब मूलचंद अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ चौकीताल से त्रिपुर सुंदरी मंदिर जा रहे थे। घटना ऐसी हुई थी कि वो घर से निकले थे त्रिपुरी सुंदरी माता जी के दर्शन करने, तो गली दुर्घटना में उनकी जो बच्ची थी जानवी और छोटी बच्ची जानवी थी, जो बड़ी बच्ची थी वो 5 साल की थी, जो कि वो स्पॉट पे ख़त्म हो गई, और जो छोटी बच्ची थी वो अभी ICU में सीरियस है, 3री मंजिल में है मेडिकल पे, और उनकी माता जी को भी कोमा में है, अभी बेहोश है, अभी बोलने की कोई कंडीशन में नहीं है, और जो उनके पापा जी हैं वो भी सिटी स्क्रीन हो रही है उनकी, उनकी भी कंडीशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये दुर्घटना ऐसी हुई है कि गढ़ा स्टेशन है चौकीताल के पास में, बाईपास के पास में 12:30 बजे करीब बस वाले ने पीछे से टक्कर मार दी, और दुर्घटना में जो भी वहाँ के लोग थे उनने मदद की, उनको भेजा। घटना के बाद आसपास के लोगों ने बस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चालक मौका पाकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर लिया है। अब पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी है। आज दिनांक 8/10/24 के करीब 1:30 बजे चौकीताल से मोहन पटेल अपने परिवार के साथ दर्शन करने त्रिपुरी सुंदरी जा रहे थे। जो उनके साथ में उनकी 2 बच्चियाँ थी, जॉनवी और एक और छोटी बच्ची थी, जो गढ़ा स्टेशन के सामने पहुंचे तो एक जनसंपर्क सूत्र की बस है, बस ने आकर के एक्सीडेंट कर दिया, जिससे बच्ची की घटनास्थल पर मौत हो गई, जो मोहन पटेल उनका परिवार घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचकर मर्ग कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। बस चालक तो नहीं मिला है, बस को हमने लाकर थाने भा दिया है। दोनों ही हादसों से क्षेत्र में रोष का माहौल है और लोगों ने प्रशासन से जल्द आरोपी चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है और घायल परिवार का इलाज मेडिकल अस्पताल में चल रहा है।